नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है छठी जमात की उर्दू की मुआविन दर्शी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल लोक कहानियां। इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है लोक कहानी कछुआ और तालाब। एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब दरिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। सुना है कि उस जमाने में वो एक दूसरे की बातें भी खूब समझ लेते थे। एक साल बारिश बिल्कुल ना हुई, तमाम नदी नाले और तालाब सूख गए। पानी की कमी से जानवर मरने लगे। जानवरों का ये हाल देखकर शेर ने तमाम जानवरों का एक जलसा किया। जलसे में मुख्तलिफ जानवरों ने तकरीरें की। ये बहस हुई कि ऐसी क्या तरकीब की जाए कि पानी की कमी से जानवर न मरे। लंगूर बोला, हमें किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए जहां इस खुश्की का डर खत्म हो जाए। ये सुनकर कछुआ फौरन बोला, मगर भाई मैं तो इतना लंबा सफर नहीं कर सकता, मैं तो मर जाऊंगा। सांप ने राय दी, अच्छा तो फिर ये खुश्की का जमाना हमें सोकर गुजारना चाहिए। खरगोश ने अपना ख्याल जाहिर किया, लेकिन हम इतने दिन कैसे सो सकते हैं? आखिर में ये बात सामने आई कि सब लोग मिलकर एक तालाब खोदें। बारिश के मौसम में तालाब भर जाया करेगा और इस तरह से पानी की कमी दूर हो जाएगी। सब ने ये बात मान ली और ये तय हुआ कि अगले दिन से तालाब की खुदाई का काम शुरू किया जाए। सबसे पहले जंगल का राजा इस काम को शुरू करेगा और फिर बारी बारी सब इसमें हाथ लगाएंगे और आखिर में गीदड़ इस काम को पूरा करेगा। खुदाई का काम शुरू हो गया। जब काम खत्म होने को आया और गीदड़ की बारी आई तो वो कहीं नजर ना आया। तालाब तो पूरा होना ही था, इसलिए गीदड़ का इंतजार न करके उसे
पूरा कर लिया गया। चंद दिन के बाद ही बहुत जोर की बारिश हुई। पूरा तालाब पानी से भर गया। तालाब के भरने पर फिर जलसा बुलाया गया और ये फैसला हुआ कि जिन जानवरों ने तालाब की खुदाई की है वही जानवर यहां आकर पानी पी सकते हैं। गीदड़ तो काम से जान चुरा कर छुपा छुपा फिर रहा था। उस जलसे में शरीक ना हुआ, लेकिन उसने झाड़ियों में छुपकर तमाम बातें सुन ली। उसने सोचा कि उसे सामने नहीं आना चाहिए और छुपकर पानी पीना चाहिए। मुझे सामने नहीं आना चाहिए और छुपकर पानी पीना चाहिए। दूसरे रोज वो सुबह सुबह उठा और दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले तालाब पर पहुंच गया। उसने खूब जी भर कर पानी पिया। फिर ये तरीका इख्तियार कर लिया कि सुबह उठता और चोरी चोरी पानी पीकर भाग जाता। कुछ दिनों तक तो किसी को पता भी ना चला, फिर तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगा। एक दिन वो पानी पीने के बाद तालाब में नहाता रहा। उसके नहाने से तालाब का पानी गंदा और मटियाला हो गया। जब दूसरे जानवर पानी पीने आए तो उन्होंने तालाब को गंदा पाया। ये किसकी हरकत है? किसने हमारे तालाब को गंदा किया? शेर गुर्राया। सब चीखे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़ी देर के बाद कछुए ने कहा, देखो मैं तरकीब बताता हूं कि हम किस तरह इस चोर को पकड़े। आप मेरी कमर पर मोम लीप दें, मैं सारी रात तालाब के किनारे बैठकर चोर का इंतजार करूंगा और उसको जरूर पकड़ लूंगा। सब ने इस राय से इत्तेफाक किया और कछुए की कमर पर मोम की तह जमा दी गई। कछुआ तालाब के किनारे बैठकर
चोर का इंतजार करने लगा। उसने अपना सर, पांव और दुम को खोल में छुपा लिया। वो दूर से एक पत्थर की शक्ल का नजर आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो खोल से मुंह निकालता और इधर उधर देख लेता कि कोई आ तो नहीं रहा। सारी रात इंतजार करने के बाद सुबह के करीब उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई दी। कछुआ जल्दी से तालाब के किनारे खिसक गया और पत्थर के मानिंद बेहिस होकर बैठ गया। गीदड़ रोजाना की तरह बाहर निकला और उसने इधर उधर देखकर इत्मीनान कर लिया कि उसे कोई देख नहीं रहा है। जब वो कछुए के करीब आया तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सा पत्थर पड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, पांव रखने के लिए ये कितना अच्छा पत्थर है। वाह, गीदड़ ने सोचा और अपने अगले दोनों पांव उस पर रख दिए और गर्दन झुकाकर पानी पीने लगा। सर उठाकर आगे बढ़ने तो पांव न हिले। उसके दोनों पांव जम गए थे। गीदड़ चिल्लाया। कछुआ बोला, सिर्फ तुम ही धोखा देना नहीं जानते। गीदड़ ने धमकी दी, मैं तुम्हारे खोल को तोड़ दूंगा। कछुआ बोला, जो जी चाहे करो। गीदड़ ने जैसे ही खोल पर मुंह मारा, उसका मुंह खोल में फंस गया। कछुआ तालाब से आगे बढ़ने लगा। गीदड़ ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर वो कामयाब न हुआ। उसने अपने पिछले पांव को जोर से खोल पर मारा। ये क्या, उसके अगले पांव भी जम गए। कछुआ उसे उसी तरह ले आया। जब जानवरों ने ये खबर सुनी तो सब गीदड़ को देखने को जमा हो गए। हर जानवर ने अपने तौर पर गीदड़ को बुरा भला कहा। शेर आया तो उसने कहा कि इसे
जान से मार दिया जाए। उसकी सजा का तरीका ये तय हुआ कि भेड़िया उसको दुम से पकड़कर घुमाकर जमीन पर दे मारे। अगले दिन सुबह सुबह सब जानवर जमा हो गए। गीदड़ बड़ा चालाक था। उसे रात को जो खाना मिला उसकी चर्बी छुड़ाकर अपनी दुम पर चर्बी मल ली। भेड़िया आया और उसने उसे दुम से पकड़कर घुमाया। दुम में चर्बी लगी हुई थी इसलिए वो पूरी तरह न पकड़ सका और दुम छूट गई। गीदड़ दूर जा गिरा और उठकर भाग गया। सब जानवर देखते रह गए। उस दिन के बाद से फिर गीदड़ तालाब पर नहीं आया। मगर आज भी कछुआ तालाब के किनारे सारी रात बैठा रहता है ताकि गीदड़ कहीं से आकर तालाब के पानी को गंदा ना कर दे। कछुआ और तालाब। अभी आप सुन रहे थे ये लोक कहानी। एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक कमाल, फनकार राम मैनी मंजू मैनी, कीमती आनंद, सैयद सलीम असगर जैदी और एम आजम शाह, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, एडिटर बटलेंग लिंगदो और अमिता भट्टी, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, असिस्टेंस इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी, प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।